हेलो, वेलकम बैक अनिको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज की हम अपनी क्लास में क्लास टेंथ के इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, जो है आपका मनी एंड क्रेडिट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक इसे शेयर भी करें। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं अपनी टॉपिक पे। अगर हम बात करें इस चैप्टर में मनी एंड क्रेडिट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, आपके इकोनॉमिक्स में 30% सिलेबस में कोई भी चैप्टर डिडक्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको चार चैप्टर है, चारों चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को देखते हैं इसमें, तो मनी एंड क्रेडिट में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। और ये जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, ये अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ और जो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये एनसीईआरटी की खासियत रही है कि एनसीईआरटी किसी भी टॉपिक को बहुत ईजी वे में समझाने के लिए पहले एग्जाम्पल से उठाता है, फिर आपको फैक्ट पे लेकर आता है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो मनी एज अ, पहले एनसीईआरटी बुक में आपके कहेगा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज होता है। अब कैसे होता है और क्यों होता है, उसके टर्म्स को समझते हैं। चलिए हम देखते हैं। पहले यहां पे हमने लिखा है मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। मनी एक्ट करता है कैसे रूप में? एज अ इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के प्रोसेस में, मतलब लेन देन के प्रोसेस में मनी आपका इंटरमीडिएट का रोल निभाता है। इसलिए हम मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जानते हैं और कहते भी हैं। तो वो कैसे ये रोल निभाता है उसे समझते हैं। पहले सपोज दैट, मान लीजिए दो पर्सन है, एक पर्सन वन ए है एंड सेकेंड पर्सन बी है, ए एंड बी, ठीक है। ए के पास फ्रूट्स है एंड बी के पास क्लोथ है। तो हमें क्या है कि हमें ये फ्रूट्स को एक्सचेंज करके हमें क्लोथ चाहिए, ठीक है, ये क्लोथ चाहिए। बट ये जरूरी नहीं जिसके पास क्लोथ है उसे फ्रूट की जरूरत हो। जब ये जरूरत होगी अगले पर्सन को, जिसके पास क्लोथ है उससे भी फ्रूट की जरूरत होगी, तभी ये एक्सचेंज प्रोसेस हो पाएगा। तो ये इसी को, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है ऐसे पर्सन्स को फाइंड आउट करना, खोजना, जिसे उस चीज़ की ज़रूरत हो जो आपके पास है और उसके पास वो चीज़ हो जो आपकी ज़रूरत है, तभी ये एक्सचेंज हो पाता है। तो ये तब होता था, ये प्रोसेस तब थे जब एनिशियंट टाइम में, जब आपका मनी का इन्वॉल्वमेंट हमारी इकोनॉमी में नहीं हो पाया था। तो इसी को हम कहते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। इट मींस अगर ये डबल को इंसिडेंस होगा तभी जाकर एक्सचेंज प्रोसेस हो पाता था। ये कब था? ये आपके एनिशियंट टाइम में, जब मनी से इंट्रोडक्शन हमारा नहीं हुआ था, इट मीन्स हमारी इकोनॉमी में मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था, उस टाइम ये प्रोसेस चलते थे। इस प्रोसेस को हम सिंपल वर्ड में बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं इसको कि हम इस तरह के प्रोसेस को बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन इस बार्टर सिस्टम के प्रोसेस को मनी ने कैसे रिप्लेस कर दिया उसे समझते हैं। अब क्या है कि हमें तो पहले, अगर मेरे पास फ्रूट है तो मुझे ऐसे पर्संस को खोजना पड़ेगा जो जिसके पास क्लोथ है, क्योंकि मेरी नीड क्लोथ की है। तो अब क्या है, जब मनी इंट्रोड्यूस हो गई इस इकोनॉमी में, तो हम इस फ्रूट को मनी के फॉर्म में चेंज कर देंगे, सेल आउट कर देंगे, और इस मनी से हम जो चाहें, ये जरूरी नहीं कि हम क्लोथ ही परचेस करें, मनी से हम कुछ भी परचेस कर सकते हैं, मनी से क्लोथ कर परचेस कर सकते हैं या अदर थिंग्स, कोई भी चीज़ आप परचेस कर सकते हैं मनी के मनी से। तो इसलिए मनी क्या हो गया, एक मीडियम हो गया
जिसमें आप अपनी चीज़ों को सेल आउट करके और अपनी नीड्स को मनी के थ्रू परचेज कर सकते हैं। तो मनी एज अ मीडियम का रोल निभाने लगा, तो मीडियम का रोल निभाता है, इसलिए हम इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जानते हैं। किसको? मनी को। तो यही इस टॉपिक में, इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट था आपका कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। कैसे है? वो ऐसे है क्योंकि यहाँ पे मनी से पहले हमारी इकोनॉमी में डबल कोइंसिडेंस का होना जरूरी होता था, लेकिन मनी के इन्वॉल्वमेंट के बाद ये जरूरी नहीं कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमें उस पर्सन को खोजना है। हम अपनी चीज़ को, अपने प्रोडक्शन को मनी के फॉर्म में टर्न चेंज करके हम मनी से अपनी सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। तो मनी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। किस रूप में? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। इसीलिए हम मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जानते हैं। बहुत ईजी वे में हमने आपको डिफाइन करने की कोशिश की। चलिए अब हम देखते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी। इट मीन्स मनी के कितने मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है या फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जानने से पहले हम देखते हैं मनी इज समथिंग। मनी क्या है? इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये हमने आपको पहले ही बताया कि मनी हर वो चीज़ है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज होता है इन ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन में। अगर कोई भी कहीं पे भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहाँ पे हम जिसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करते हैं उसे ही तो मनी कहते हैं। और मनी वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, इन अर्ली एज में, मतलब एंशिएंट टाइम में, जब मनी नहीं थी तो हम अपनी इंडियन इकोनॉमी में ग्रेन्स और कैटल का यूज़ करते थे एज अ मनी के रूप में, क्योंकि उस समय हमारे पास मनी नहीं था, हम मनी से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए थे। इसलिए एंशिएंट टाइम पीरियड में हम अपनी इकोनॉमी में ग्रेन्स और कैटल का यूज़ करते थे एज अ मनी के रूप में। लेकिन जब बाद में कोई आफ्टर समटाइम्स कुछ समय बाद हम मनी से इन्वॉल्वमेंट हुए तो मेटेलिक क्वाइन का यूज़ करना शुरू कर दिए। तो मेटेलिक क्वाइन में हमने सबसे पहले गोल्ड का यूज़ किया, गोल्ड क्वाइंस का, फिर सिल्वर क्वाइंस का, फिर कॉपर क्वाइंस का। इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक मेटेलिक क्वाइन का यूज़ करना शुरू कर दिया था। ये भी एंशिएंट टाइम में आफ्टर समटाइम्स आपका स्टार्ट हो गया था। और फिर उसके बाद हम इंट्रोड्यूस होते हैं, हम जब मॉडर्न टाइम पीरियड में आते हैं तो हमने मनी का फॉर्म चेंज किया और यहाँ पे हमने करेंसी यूज़ करना सीख गया। करेंसी, करेंसी क्या होता है? करेंसी इट मीन्स पेपर नोट्स एंड क्वाइंस, इसको आप करेंसी कहते हैं। जो भी आपका पेपर नोट्स और क्वाइंस है उसे आप करेंसी के रूप में जानते हैं। ये क्या होता है? इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब पेपर नोट एंड क्वाइंस क्या है? इसको हम एक्सेप्टेड, ये जो होता है पेपर नोट्स और क्वाइंस, ये एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में होता है बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट। जैसे हर कंट्री की अपनी जो गवर्नमेंट होती है वो जिस करेंसी को ऑथराइज करती है उसी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करते हैं। तो इंडिया में जो पेपर नोट्स और क्वाइंस ऑथराइज है वो हमारी इकोनॉमी में यूजेबल है, ठीक है। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने इसे आरबीआई को अथॉरिटी दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ये पेपर नोट्स और क्वाइंस को पब्लिश करने का जो राइट है अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ वो आरबीआई के पास जा चुका है। लेकिन एक्सेप्शन रूल्स ये है कि सिर्फ 1 रुपीस की नोट और 1 रुपीस की क्वाइन, वो इंडिया गवर्नमेंट ही उसे इश्यू करती है, लेकिन 1 रुपीस के नोट एंड क्वाइंस को छोड़कर बाकी जो भी करेंसी होती है आपकी वो आरबीआई के द्वारा लॉन्च की जाती है, क्योंकि इंडिया इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ये जो राइट है वो आरबीआई के पास है। तो चलिए हमने समझा करेंसी क्या है, ठीक है। करेंसी के बाद अगर हम बात करें डिपॉजिट विद बैंक, मतलब दूसरा जो करेंसी का फॉर्म होता है वो होता है जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक में क्या क्या डिपॉजिट है उसे समझते हैं। पहला पॉइंट है पीपल डिपॉजिट एक्स्ट्रा कैश। देखिए क्या है, हमारी इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल हो गया है क्योंकि पीपल डिपॉजिट एक्स्ट्रा कैश विद द बैंक्स। पीपल जो आम पर्सन है वो क्या करता है, जो भी उसकी इनकम है पर मंथ की जो भी इनकम होती है और जो वो एक्सपेंडिचर कर देता है, खर्च कर देता है, और जो एक्स्ट्रा
इनकम होती है उसे वो क्या करता है, डिपॉजिट करता है एक्स्ट्रा कैश को विद द बैंक, बैंक से बाय ओपनिंग द बैंक अकाउंट। क्या होता है, इन देयर नेम, अपने नाम से बैंक में एक अकाउंट ओपन करता है और उस अकाउंट के थ्रू अपना जो भी एक्स्ट्रा इनकम होती है उसे वो डिपॉजिट करता है बैंक में। क्यों, क्योंकि इससे वो पैसे उसके सेव रहते हैं और सेव ही नहीं रहते हैं, उस पर बैंक क्या देती है उसको, उस पर्सन को इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है, जिससे वो उसके जो इनकम है वो और भी इंक्रीज करती है। तो इस तरह आपको पता है ये तीन तरह से डिपॉजिट किए जाते हैं बैंक में, जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट है ये तीन तरह से बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। पहला तो तीन तरह के अकाउंट ओपन होते हैं, पहला जो होता है वो आपका करंट डिपॉजिट होता है, इट मीन्स करंट अकाउंट के थ्रू बैंक में डिपॉजिट होते हैं, दूसरा होता है सेविंग डिपॉजिट होता है, एक होता है आपका टाइम डिपॉजिट जो एक लॉन्ग टाइम तक उसको फिक्स्ड कर दिया जाता है। इस थ्री अकाउंट, तीन तरह के अकाउंट बैंक में ओपन किए जाते हैं और इनके थ्रू बैंक में डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी पे नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विथड्रॉ ऑन डिमांड। जो भी आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट के थ्रू उसे आप क्या कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं। दीज डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। इस तरह की डिपॉजिट को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो बैंक में आप जो भी अपने एक्स्ट्रा इनकम को डिपॉजिट कर रहे हैं आप अपनी ज़रूरत पड़ने पे उसको क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं बैंक से। तो इस तरह की डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो ये तो डिपॉजिट है जो आप बैंक में करते हैं, वो भी आपका एक तरह से मॉडर्न टाइम्स का मनी है। और दूसरा जो फॉर्म्स है, चेक पेमेंट। चेक पेमेंट क्या है, अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन मेड। इसमें क्या होता है कि चेक जो होता है ये एक तरह का पेपर इंस्ट्रक्शन होता है, जो जैसे मेरा बैंक अकाउंट है तो मैं पेपर के एक चेक के थ्रू बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दूंगा, जिस पर्सन को दे रहा हूँ उसे वो पैसा पे करने का इंस्ट्रक्शन देता हूँ, किसको, बैंक को। अब बैंक क्या करेगी, वो पैसे मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र करके अदर पर्सन्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो इस तरह चेक के थ्रू भी हम पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमें डायरेक्ट कैश के रूप में पेमेंट करने से ज़्यादा बेहतर होता है कि हम चेक के रूप में पेमेंट कर देते हैं। तो ये भी एक तरह का फॉर्म है मनी का, क्योंकि जो चेक है वो भी तो फॉर्म से ही है मनी का, मनी का ही एक फॉर्म है, तो इसलिए हम चेक का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद तो अभी हमने डिस्कस किया सिर्फ मनी के टर्म्स को, और अपने जो क्रेडिट का जो टर्म्स है हमारा, इट मीन्स इसमें हम ये समझेंगे कि बैंक लोन एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करती है, इट मीन्स टर्म्स ऑफ लोन कितने तरह के होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको हम अपने सेकेंड वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराएंगे। और इसी के साथ मुझे नहीं लगता इस पूरे टॉपिक में आपको अब तक कोई डाउट होगा, तो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जाते जाते हमारी ये है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक इसे शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, इस सारे टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।